तो मुझे आप लोगों के साथ ना कुछ बात शेयर करनी थी कि अगले महीने तक ना आप लोगों चाय 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 गर्मा गर्म चाय ले पकड़ा ये महाराज ने मास्क दिया मतलब मैं पूरी उम्मीद थी महाराज ये जरा भीड़ बहुत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। मेरा नाम है पुष्पा देवी, मेरे गांव का नाम है नारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिल्कुल सही। और अब मुझे बोल आ गया मम्मी को। और कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? फिर आज हम फिर कोथी में जा रहे हैं, 12 बज गए हैं और आजकल टाइम को पता है। भागते भागते मुझे आंखल आठ भी हो गया, तो अभी घास लेकर आए, खाना खाया, कोथी शुरू हो गया। दोस्तों वहाँ पे मिलते हैं, सब होंगे, उनसे आप लोगों को मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों। चाय 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 गर्मा गर्म चाय ले पकड़ा 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 पकड़ा। हेलो भी बोला, वीडियो बनाओ मैं तुम्हारे। हेलो दादी, हम चाय पी रहा। देखने आ रखे हैं ले आओ, तुम भी पकड़ा। हेलो बोलो, तुम भी वीडियो में चाय पियो ना बोना। दोस्तों यहाँ पे भी बैठ रखे हैं कुछ कौतिकार और कोथी हो रहा है वहाँ पे, गाड़ा गाड़ा सब गाड़ा। दोस्तों कोथी के बीच बीच में चाय बांटने की ड्यूटी लगी हुई है मेरी और अमिषा की। यहाँ पे देखो चाची लोग भी। हेलो हेलो दोस्तों, प्रणाम। राधे राधे। जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, चाय पीने आ जाओ? बहुत ठंड पड़ गई है इसलिए बीच में ब्रेक लेके चाय। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, मैंने बोला मुझे 3-4 गिलास चाय और चाय। हमको ये प्रसाद मिल गया देवता ने दिया। कोथी और देखो कुछ ऊपर बैठे हुए यहाँ पे हमारे चाची चाय बना चाहते। हेलो वाला और आसी। हेलो हेलो ऐसे ऐसे कॉमेडी हमारे गांव में। तो दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो चाय पीते हैं यहाँ पे। ये हमारी नचवार दादी चाय में चाय। तो दोस्तों जब गांव में कोथी कुथी होते हैं ना, तभी जो ध्यान ध्यान रहती है वो इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे हमारी बुआ जी है। हाँ, तो ऐसे मौकों पे मिलते हैं सबके साथ। ससुराल का है फड़ है बुआ का ससुराल। और यहाँ पे तो कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट कर देना और चाय पीने आ जाओ गर्मा गर्म शाम की चाय। तो दोस्तों अभी सबको चाय चुई बांटने के बाद अभी हम आ रखे हैं छत में आराम से चाय पीने के लिए। और मेरे साथ कौन है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है कालिया भाई। हेलो। अमीषा सजवान इसका नाम है। काफी लोग पूछते हैं ना नाम क्या है नाम क्या है, तो अमीषा इसका नाम है। तो अभी हमने सबको चाय तो बांटी दी है, तो आराम से अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रखे हैं। और नीचे कोथी अभी चल ही रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा कोथी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारे देवी देवता होते हैं या फिर जो पितृदेवता होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है, तो हमारी गढ़वाली भाषा में उसको घड़ेला बोलते हैं, घड़ेला लगाना। तो कुछ गीत होते हैं ना जो घड़ेला लगाते हैं, उन गीतों से ही देवी देवताओं को बुलाया जाता है, पितृदेवताओं को बुलाया जाता है। तो वही अभी नीचे चल रहा है और यहाँ से मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ, बहुत बार दिखा चुकी हूँ वैसे। तो ये है हमारा नारी गांव। तो आधा गांव है वैसे अभी, ये कुछ इसके पीछे भी है, इधर साइड भी है, तो ये आधा गांव दिखेगा आपको अभी, ये देखो। तो दोस्तों साथ साथ में हम यहाँ पे दाल भी रख रहे हैं शाम के लिए, ये देखो। और ये हमारी व्यूअर, हेलो। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ना देवी देवताओं को पितृ देवताओं को बुखने देते हैं ना, तो फिर ये हमको भी बांटते हैं। ये देखो हमको भी मिल रहे हैं बुखने। दिया हम देव दिया महाराज मस्त मस्त दिया दैट बुखना महाराज महाराज मस्त मस्त दिया महाराज राज महाराज राज महाराज भीड़ो बढ़नी चाहिए महाराज जैसे महाराज राज महाराज भीड़ो बढ़नी। ये महाराज ने मस्त दिया मतलब मैं पूरी उम्मीद थी महाराज महाराज राज महाराज ये जरा भीड़ो बहुत अभी दिया महाराज भीड़ो बहुत अभी ओ भीड़ो बहुत दिल रहे दिखो खड़ा चल हमारे व्यूअर्स को देखो कितने सारे दे दिए महाराज मस्त मस्त दिया हुआ अब महाराज नहीं बोल दिया 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 महाराज महाराज डोरना महाराज डोरना दिल दिया। तो दोस्तों बाहर अभी कॉथी चल ही रहा है और जिनके घर में कॉथी है वो तो सब वहाँ पे और यहाँ हम उनके गुलगुले खा रहे हैं। चाचा देखेंगे ना वीडियो, चाचा खूब हंसेंगे वीडियो देख के। तो यहाँ पे देखो हम गुलगुले खा रहे हैं, कोई बात नहीं खा ले कर सब पता भी चलो नमन गाड़े चाचा जी मस्त बना रखे आपने गुलगुले, हालांकि आपको नहीं बचे कोई बात नहीं पर हमने खा दी।
हम भी चखते हैं गुलगुले कैसे हो रहे हैं, गुलगुले तो इतने अच्छे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, बहुत सुंदर गुलगुलों का रंग कुछ अलग है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे कॉफी खत्म हो गया और यहाँ पे आग ताप रहे हैं। बताओ क्या कहते हैं देवता ने, दाल रखी है देवता उनकी कितनी धूम है, देवता ने हमको उसको दिखा नहीं सकते, हम फल भगवान का नहीं, नहीं दिखा सकते। मैं तो दिखाऊंगी, जय माता दी दोस्तों, ये देखो माता रानी का श्रृंगार दिखाने वाला है मेरा, ये दिखाने वाला। भगवान ने उनको दिखाते नहीं है, बस उनको दिखाते नहीं है। अब यहाँ पे दाल भी रखी हुई है शाम के लिए, दाल रखी है, आप रोटी खाने आ जाओ, यही खूबसूरती का राज है जो दिखाते नहीं है। मेरे को क्रीम पता नहीं कौन कौन सी लगाती है, नहीं लगाती हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सब दिखाती हूँ, तभी तो फूल गई हूँ, मैं सब दिखाती हूँ तभी तो सफेद हो गई, दरिया फूल क्रीम कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सच में मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दीदी मजाक कर रही है, खाली पाउडर लगाती हूँ, क्रीम पाउडर पाउडर घसने की लेनी मेरी निर्मला पाउडर लेनी, हेलो मेरे निर्मला हिडन के लेनी, मेरी निर्मला सैल जान हिडन के लेनी, आप अमन सैल जानो देवो मधुन सी। और यहाँ पे कितने सारे हो रखे हैं खड़े यहाँ देखने के लिए मम्मी लोगों को, और सब चले गए हैं घर, और आज यहाँ पे कॉफी का समापन भी हो गया है, आज समापन हो गया, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है, आज तक हम बैस गाँव गए वहाँ भी कॉफी खत्म, आज यहाँ भी कॉफी खत्म, अब जाए पर जाए खोपड़ी खराब, तुम्हारे यहाँ होगा तो बता देना उनका मैंने वहाँ पहुँच जाएंगे, कॉफी होगा तो हमको बुला देना क्योंकि खोपड़ी खराब हो गई। और यहाँ पे हमारी मौसी जी, मौसी ये मुआ, हेलो मौसी, मौसी मुआ दो, अब गाज गिना वाले ना गिना को क्वेश्चन, दी जोड़ी बाल छे, हां यो भैंस छे, यो गोरु छे, यो बाकरो, ए मा तो बोला 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 बोला, ये हमारी भूली मां ने कम मिल दिया, बोला कैसे बीजा है, अच्छा बोल सो भी सो श्री साई बाबा, ये पता नहीं हमको कम मिल दिया, ये आज बात देखेगी, आज ऑल मां बात मां ऑल ना, हां खाली हूं बाद में आएगी, 8 साल लेने आएगी, 8 साल लेके बाबा हम देंगे, हम भी देंगे, तो ऐसे जब कॉफी कुछ होते तभी सब एक साथ हो पाते हैं, तो कल से मौसी भी चले जाएगी, हम सब भी अलग अलग खेतों में ही मिल पाएंगे, बस है ना, हम भी जुदा हो जाएंगे, नहीं हम तो जुदा मिल जाएंगे, चलो और यहाँ पे बुढ़ा हेलो करा तुम भी, हेलो बोला सबको आशीर्वाद, बुढ़सोरा जी भी बोल रहे मैं कल से जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, बहुत बड़ी कौजान कोथी कोथी कौजान, और यहाँ पे हमारे मामा जी, मामा हेलो, मामा जी हेलो कैसे हो, ये सब के सब यहाँ पे अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे है ना, क्या गिरा देवो क्या करना है, नहीं दोस्तों दोस्तों उनका भी नमस्कार है जिन्होंने मुझे बोला है, मैं चरण सिंह भाई की बहन हूँ, अच्छा, और जो मुझे बोल रहे थे कि मोटर अगले 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 यहाँ पे लगाओ, जो मुझे बोल रहे थे कि मोटर से किस परिवार से है, मेरे पिताजी का नाम गुलाब सिंह था, वो थानेदार थे, अच्छा, उनके उन कमेंट में मेरे को भी कमेंट कर रहा था, और मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ बहुत ज्यादा, उन्होंने लड़की सही पहचाना, सही पहचाना, मैं चरण सिंह की भाई की बहन हूँ, अच्छा पापा से, हाँ चलो सब सब बाय बोल दो, बाय बाय, ओए हेलो बाय 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 बाय, बुढ़ा बुढ़ा तुम भी बोला बाय बोल, बाय बाय बाय, सुन तो दोस्तों ये हमारी चाची जी, इन्होंने भी हमें खूब भुखने दिए, भुखने दिए, इसका नाम फुरकी भी है, ये फुरकी उड़ाती है, फुरकी चाची है हमारी, ये देखो, तो अभी चलते हैं सब अपने अपने घर के लिए, ये देखो, तो दोस्तों अभी हम कॉफी देख के घर पे पहुंच गए हैं, मतलब घर के पास में ही पहुंच गए हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ ना कुछ बात शेयर करनी थी कि अगले महीने तक ना आप लोगों को एक खुशखबरी मिलने वाली है, मतलब आप लोगों को भी और हमको भी, है ना मम्मी, राइट राइट, हाँ, और मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो तब तक आप लोग गेस करना कि क्या खुशखबरी हो सकती है, जरूर बताना,
ये क्या चीज है वो. बिल्कुल, मतलब इतने टाइम से मैं उस चीज का वेट कर रही थी कि मतलब कब आखिर कब. तो फाइनली अगले महीने मतलब जनवरी तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी. तो आप लोग तब तक गैस करना, मैं आपको मतलब बाद में बता दूंगी जब वो खुशखबरी आ जाएगी ना तब बता दूंगी कि आप लोगों ने सही गैस किया था कि गलत गैस किया था. ठीक है, तो मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड होंगे ना तो उनको तो ये बात पता है, लेकिन आप लोग गैस करना. ठीक है, तो देखती हूँ आप लोग कितना जानते हो मुझे. तो फिलहाल दोस्तों अभी आज के ब्लॉग को एंड करते हैं ना मम्मी. एंड करते हैं. बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सारे मिले. हाँ आज के दिन अब यहाँ जो कोथी थे वो भी खत्म हो गई. हाँ, बिल्कुल. अब मन बहुत उदास हो रहा है. हाँ, फिर कल से वही काम धंधा घास. हाँ, बिल्कुल, घास न्यार वही शुरू हो जाएगा. तो मतलब हाँ ऐसा नहीं मिलता, भले गांव में रहते हैं ना तो मजा होता रहता है. जैसे गांव में भी रहते हैं ना तो चाची लोग ऐसे मिल नहीं पाते जैसे कोथी कोथी में मिलते हैं ना, क्योंकि सब अपने काम में बिजी रहते हैं. तो ठीक है दोस्तों, मम्मी बोलेगी. ठीक है दोस्तों, मिलते अला नहीं, अगर ब्लॉग पसंद आता है. अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और कमेंट करके जरूर बताना कि जरूर वो खुशखबरी क्या है ना. आई एम सो हैप्पी. तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय.